जन अदालत न्यूज से मैं हूँ राजा भैया पाल। मैं आज मध्य प्रदेश में हूँ, जहाँ पर आज हमारी मुलाकात उत्तर प्रदेश की एक ऐसी शख्सियत से होगी जिन्होंने आज धर्म का प्रचार, आज उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि समझे भारतवर्ष में वो धर्म का प्रचार कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं वृंदावन धाम से पधारे शिवम कृष्ण शास्त्री जी, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश की झांसी में हुआ है। एक कम उम्र में 15 वर्ष की आयु में ही उन्होंने धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिया था। एक बड़ा लक्ष्य लेकर के वो चले हैं मानव में बदलाव करने के लिए अपना धर्म के प्रचार के माध्यम से। कृष्ण जी, शिवम जी, आप एक युवा हैं, कम उम्र की आयु से आपने भागवत कथा कहने का विचार मन में आया, तो क्या वो समय था कि आपके मन में इस प्रकार का संकल्प आया? जब मैं 10 साल का था जी। तो हमारे झांसी में बापू जी आए थे जी। तो मुरारी बापू जी की कथा मैंने प्रथम बार सुनी थी और पांडित्य कर्म में तो हमारे नाना जी पांडित्य कर्म करते मेरे परिवार से, ना तो मेरे पिताजी ना मेरे परिवार से और कोई। तो मैंने जब प्रथम बार कथा सुना तब मुझे लगा कि मुझे इस लाइन में जाना चाहिए। हालांकि जब मैं बनारस रहा और वृंदावन रहा तब तो मेरा उद्देश्य ये था कि शिक्षक वाली लाइन में जाने का, संस्कृत से मैं शिक्षक बनूँ और व्याकरण मेरा सब्जेक्ट भी था। लेकिन संस्कृत से पढ़ाई करते 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 बीच बीच में कभी 10-15 मिनट का मैं प्रवचन करता था, फिर लेकिन साथ वालों ने कहा कि आप कथा करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो सबकी इच्छा से और फिर तब जाकर मैंने 15 वर्ष की उम्र में प्रथम बार वृंदावन में भागवत कथा का आयोजन किया। तब से मेरा उद्देश्य बस ये रहा कि लोग केवल कृष्ण की बातें ना करें, लोग केवल धर्म की बातें ना करें, लोगों के जीवन तक धर्म पहुँचे। और वो स्वयं केवल वक्ता के लिए मैं निजी तौर पर भी कहता हूँ कि जो वक्ता व्यासपीठ पर बैठ के कह रहा है जिन बातों को, सब तो खैर संभव नहीं, लेकिन निजी तौर पर व्यक्तिगत तौर पर भी जितनी से ज़्यादा हम धार्मिक बातों को अपने जीवन में उतार सकें। हमारे गुरु जी कहते थे कि बेटा धर्म उच्चारण में हो अच्छी बात है, पर जब तक धर्म आचरण में नहीं होगा तब तक ना तो वक्ता का भला कर सकता है, तब तक ना सुनने वाले श्रोताओं का भला कर सकता है, ना कथा कराने वाले आयोजक का भला हो सकता है। तो बस इन कथाओं के माध्यम से मैं लोगों को यही कहता हूँ कि धर्म हम सब के आचरण में उतरे, इस उद्देश्य से कथा न सुने। केवल भीड़ इकट्ठी नहीं करनी, हंगामा खड़ा करना है मेरा मकसद नहीं, बस धीरे धीरे लोग जागृत हो गए अपने धर्म के प्रति, अपनी सनातन संस्कृति के प्रति। क्योंकि अन्य धर्मों की ये निंदा के विषय में नहीं, लेकिन हमारा सनातन धर्म इतना प्राचीन धर्म है, जब राम और कृष्ण नहीं थे तब भी हमारा सनातन धर्म था। हमारी सनातन संस्कृति में राम कृष्ण आए हैं, वो हमारी संस्कृति है। तो बस उस संस्कृति का प्रचार प्रसार होवे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी संस्कृति से जुड़ें और उन आचरणों को पालन करते हुए चलें धर्म के मार्ग पर, बस इसी उद्देश्य से। आप भी युवा हैं और हमारे आज हम देख रहे हैं वो तमाम युवा भी इस समय हमको देख रहे हैं, जो आप क्या कहना चाहेंगे युवाओं के उद्देश्य से? हमारा भारतवर्ष कहा जाए तो युवाओं का देश है, तो कहीं ना कहीं आज युवा अपने संकल्प से अपना रास्ते से भटक रहे हैं। सदमार्ग पर युवा आए, निश्चित रूप से देश का, भारत का कल्याण हो। आप युवाओं किस प्रकार से मोटिवेट करना चाहेंगे? मेरे गुरुजी कहा करते थे कि देखो भैया, ये सब सहजता से कलयुग है अभी इस समय वर्तमान में, और साधारण हर व्यक्ति को अगर अपनी उम्र भी मांगे 100 वर्ष, ठीक है, 15-20 वर्ष तक की उम्र में तक बालक बोध में आता है कि अब मुझे जिम्मेदारियां, कि मुझे क्या करना। महत्वाकांक्षाएं स्वाभाविक सी बात है हर युवान भाई बहन की है, हर युवान भाई बहन अपने परिवार के लिए, स्वयं के लिए, जहां रह रहा उस समाज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है। लेकिन जल्दबाजी के कारण हम शॉर्टकट चुनते हैं, उन शॉर्टकट्स के कारण ये होता है कि कई बार हम गलत मार्ग चुन बैठते हैं। उद्यम करें, पुरुषार्थ करें और अपना लक्ष्य निर्धारित करें, पर लक्ष्य अगर अच्छा है तो कठिनाइयां तो आएंगी, परेशानियां तो आएंगी। वह पथ के आपथिक कुशलता के आपथ पर बिखरे सूल न हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा के जब धाराएं प्रतिकूल न हो। हमें अगर आदर्श भी मानना है तो रोल मॉडल हम और किसी को ना माने, हमारे राम जी को माने। एक अच्छा बेटा कैसा होना चाहिए राम जी के चरित्र से हम सीख सकते हैं, एक अच्छा भाई कैसे बने ये भी राम जी के जीवन से सीख सकते हैं, एक शत्रु भी कैसे बने वो भी राम जी के जीवन से सीख सकते हैं। तो आज की युवा पीढ़ी, मुझे ऐसा लगता है कि बस जिसके जो ज़्यादा फेमस हुए, जिसके ज़्यादा फॉलोअर्स, बस उसी को रोल मॉडल मानना शुरू। वास्तविकता में रोल मॉडल उसे माने जिसका चरित्र ऊंचा। व्यक्ति उच्च अपने चरित्र से बनता है, किसी की महिमा देखकर उसके पीछे ना भागे, बस चरित्रवान बनने का प्रयास करें। हमने
पैसा गंवाया कुछ नहीं गंवाया, हमने समय गंवाया कुछ तो गंवाया है, पर अगर हमने चरित्र गंवाया मानो सब कुछ गंवाया। जिसने कैरेक्टर गंवा दिया वो लाइफ में कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकता। तो बस चरित्रवान बनने का प्रयास करें, ये तो कोई नहीं कह सकता कि मैं पूर्ण रूपेण चरित्रवान हूं, पर बस प्रयास करें कि हम धर्म के मार्ग पर चलते हुए चरित्रवान बने। जिसका चरित्र ऊंचा है वो देश में रहे विदेश में रहे किसी भी परिस्थिति में पहुंच जाए, वो जहां जाएगा वहां उसका सम्मान होगा, वहां उसकी प्रतिष्ठा होगी, और वो जिस लक्ष्य के साथ बढ़ा है उस हर लक्ष्य पर उसके उस हर मार्ग पर लोग उसकी मदद करेंगे और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। आज हमने आपकी कथा सुनी, आपकी कथा में वैसे मुझे ऐसा बहुतों बार तो नहीं मिलता है, कभी कभार संयोग बस ऐसा हो जाता है, लेकिन आज वही संयोग हमें देखने को मिला कि एक मुस्लिम व्यक्ति आपकी कथा में इतना सरोवर हो गया है कि वो खुद को शुद्ध गवाह बैठा था। तो क्या कहेंगे इस प्रकार से मैसेज, किस प्रकार से मैसेज आता है भाई? हमारी जो भारतीय संस्कृति है, राम रहीम की परंपरा तो अब से नहीं, बहुत प्राचीन रही है। रहीम दास जी तो अवध प्रांत के गवर्नर थे, रस खान जी महाराज काबुल से चलकर पैदल चलकर वृंदावन आ गए थे गोविंद के दर्शनों के लिए, और उन्होंने कहा पद में लिखा, ब्रह्म में ढूंढू पुराण गायन, वेद रचा सुन चौगुन आयन, बैठ्यो छुपो वह कुंज करील में, बैठी पलोट तराधिका पायन। वो वेदों में नहीं मिला, पुराणों में नहीं मिला, वृंदावन में आकर रसखान जी को ठाकुर जी ब्रज की लताओं कुंजों में किशोरी जी के चरण दावते हुए मिल गए। तो देखो हमारा जो सनातन धर्म है किसी व्यक्ति पर आधारित नहीं, हमारा सनातन धर्म शुरू से सहना भवतु सहनौ भुनक्तौ सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै सर्वे भवन्तु सुखिनः की मर्यादा लेकर के चलता। और जिस व्यासपीठ पर मैं बैठता हूँ भागवत जी की, जब आप भागवत का अध्ययन करेंगे तो आप पाइएगा भागवत में धर्म की नहीं परम धर्म की व्याख्या करें। एक हिंदू हिंदू कैसे बने वो महत्व नहीं, एक मुसलमान मुसलमान कैसे बने वो महत्व नहीं है, कथा का धर्म का उद्देश्य ये है कि एक सच्चा इंसान कैसे बने, और इस यही कथाओं का उद्देश्य है। हम एक अच्छे इंसान बने, अपने धर्म में निजता में जियो और दूसरे धर्मों का सम्मान करो, यही हमारा हिंदू धर्म है। और इसीलिए हमारे धर्म की शोभा आज विश्व के जितने भी 156 देशों में, हर धर्म हमारे हिंदू धर्म का सम्मान करता है, मानता है, और विदेशी लोग भी आकर के हमारे हिंदू धर्म पर गर्व करते हैं और वो भी हमारी संस्कृति का अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि हमारी वर्षों पुरानी परंपरा रही। हमने कभी किसी धर्म की निंदा करी नहीं, क्योंकि सनातन धर्म ही था, और तो कोई धर्म थे भी नहीं। तो सब धर्मों का सम्मान होवे, अपने धर्म में निजता में जिए, जिए अपने धर्म में, और सम्मान सभी धर्मों का करें, ये शुरू से परंपरा रही। तो आज वही दृश्य देखने को मिला जो आपने कथा में। तो ये हमारे साथ जुड़े हुए थे वृंदावन से शिवम कृष्णा शास्त्री जी। आज इनकी कथा में जिस प्रकार से एक सूफी संत ने, एक मुस्लिम व्यक्ति ने सराबोर होकर के जो भक्तिमय हो गया, निश्चित रूप से एक बदलाव देखने को मिला है। वही यहाँ पर उन्होंने साफ जाहिर किया है कि हमारा कथा करने का उद्देश्य हिंदू हिंदू को हिंदूवादी और मुस्लिम मुस्लिमवादी कहने का अर्थ नहीं है, हमारा मतलब है इंसानियत से है, और हिंदू मुस्लिम सभी धर्म का काम सम्मान करें और तभी अपने देश की शक्ति, एकता और अखंडता बनी रहेगी। जुड़े रहिए आपकी जनता तारा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।